हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। 5 KV का वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये। तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। इससे पहले हम वेरिएबल आकर ऑन करेंगे। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया। ये देखिए 200-250 वोल्ट के बीच में से आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहिए। तो ये 200-250 वोल्ट के बीच में आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है। तो इसकी इनपुट रेंज चेक करते हैं। इसके लिए हम इसे बिल्कुल डाउन ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट पर सेट करेंगे। ये देखिए, अब इसके इनपुट वोल्ट चेक करेंगे। तो ये देखिए, इनपुट वोल्ट ये 110 बता रहा है, यानी कि 110 वोल्ट। इससे मालूम पड़ता है ये स्टेबलाइजर हमारा 110 वोल्ट से वर्क करेगा मिनिमम। और 110 वोल्ट इनपुट आएगा तो बढ़ाकर इसे 200 वोल्ट आउटपुट देगा। तो यानी इसकी रेंज 110 वोल्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर को बिना ट्रांसफार्मर चेंज किए हुए रेंज कैसे बदल सकते हैं। यानी कि जैसे ये 110 से है तो हम इसकी रेंज 140 या फिर 160 या 170 कैसे कर सकते हैं मिनिमम रेंज। तो इसके लिए हमें बिना ट्रांसफार्मर बदले, यानी ट्रांसफार्मर बदलने की जरूरत ना पड़े और हम इसकी रेंज चेंज कर सके। तो देखते हैं पूरा वीडियो। वीडियो हमारा इसी बारे में है। वो स्टेबलाइजर को हम थोड़ा घुमाकर आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें 3 रिले लगी हैं। 3 रिले वर्किंग रिले हैं और चौथी रिले ये हाई कट पर यूज की गई है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। रेंज से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा हाई कट के रिले का। अब ये 3 रिले हमने लगा रखी है, ये 110 वोल्ट से स्टेबलाइजर हमारा वर्क कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर से इसमें 1, 2, 3, 4 लूप्स कनेक्ट हुई है। अब हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी इनपुट रिले देखेंगे। इनपुट रिले वो रिले होती है जो कि इसमें मेन लाइन का जो फेस आता है इनपुट का, देखिए जैसे ये इनपुट इसकी ये है। तो यहां से जो फेस आ रहा है हाई कट की इनपुट पर, इनपुट रिले पर इसकी हाई कट लगा हुआ है। तो यहां से रिले के पोल पर आकर ये मेन इनपुट आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, हम इनपुट यहां से हटा देंगे। इसे हम यहां से बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि जब इसके अंदर इनपुट फेस यहां से आता है और ट्रांसफार्मर की सबसे पहले वाली टेपिंग में जाता है, तो ट्रांसफार्मर हमारा यहीं से वर्क करना शुरू कर देता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से वायर खोलकर इस दूसरी रिले के पोल पर लगा देंगे, जो कि पहली रिले यानी इनपुट रिले के इस पॉइंट से उठकर पोल पर आ रहा है। तो ये हम बिल्कुल कनेक्शन हटा देंगे और यहां पर ये जो मेन इनपुट फेस आ रहा है यहां पर जो लगा हुआ है इनपुट रिले के पोल पर, वो हटाकर हम इनपुट टू रिले के पोल पर लगा देंगे और जो पहले से वायर लगा हुआ है उसे हम बिल्कुल हटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इनपुट का वायर हमने खोल रखा है जो कि इनपुट रिले के पोल पर लगा हुआ था, जो मेन इनपुट आ रहा है यानी कि मेन फेस आ रहा है मेन लाइन का। तो हम यहां से हटाकर इनपुट वन रिले के पोल पर से हटाकर इनपुट टू रिले के पोल पर लगा देंगे और इनपुट टू रिले के पोल पर जो वायर लगा हुआ था इनपुट वन रिले पर से आकर, तो ये भी हम हटा देंगे। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल हटा दिया है। तो अब होगा ये इनपुट हमारी डायरेक्ट इनपुट वन रिले में आ जाकर सीधे इनपुट टू रिले में आएगी और यहां से तो हमारा ट्रांसफार्मर जो पहला वायर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और इससे पहले जो इनपुट रिले पर वायर लगा हुआ था ट्रांसफार्मर के लूप, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारा स्टेबलाइजर यहां से वर्क करेगा, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारा जो इनपुट का वायर इनपुट रिले के पोल पर आ रहा था, तो हमने वहां से हटाकर इनपुट टू रिले के पोल पर हटा लगा दिया है। अब हमारी इनपुट रिले ये हो गई, जो हमारी इनपुट टू रिले थी यानी एक्स्ट्रा वाली रिले, और हमारा ट्रांसफार्मर अब यहां से वर्क करना शुरू करेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या फर्क आया इस चीज से। ये इसे करंट देते हैं, इसे ऑन कर दिया। अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे वायर के थ्रू। ये देखिए, ये आ गए 200 वोल्ट आउटपुट। अब इनपुट देखते हैं। ये देखिए, इनपुट वोल्टेज हो गए 140, यानी जो स्टेबलाइजर अभी तक 110 से वर्क कर रहा था, देखिए 110 होने पर वोल्टेज कम दिखा रहा है, अब वो 140 से वर्क कर रहा है। यानी इसकी अब 3 रिले वर्क ना करके केवल 2 रिले वर्क कर रही हैं। ये देखिए, इस तरह हम किसी भी स्टेबलाइजर में रेंज बदल सकते हैं और रिले भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा
आमतौर पर तभी करने की जरूरत पड़ती है जैसे बहुत सी जगह पर वोल्टेज ठीक आते हैं। ठीक का मतलब यह है कि 150 वोल्ट से ऊपर आते हैं और हमें इतनी ज्यादा रिले की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 3 रिले हम लगाते हैं तो काम तो भले ही वो कम रेंज से करता है लेकिन फ्लक्चुएशन भी ज्यादा ही होता है। और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ वोल्टेज ठीक है तो वहां पर हम 2 रिले लगाकर भी काम चला सकते हैं और स्टेबलाइजर हमारा अच्छा वर्क कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट करके हमें बताइए कि आप हमसे नेक्स्ट वीडियोस में और क्या चाहते हैं और हमारे वीडियोस में आपको क्या पसंद आता है और क्या पसंद नहीं आता है। थैंक यू।